Welcome to the day two of MDGC 2016. Without wasting time, let's begin with our first play, Upanyas. Upanyas is the story of an old man and his servant going about their routines. The old man's son has been away from home for quite some time, being busy at work. He tries his best to write about his son, wishing to write his last Upanyas on his success, but fails to do so due to the blurry image of his son that is left in his mind. But there is something more that the servant knows. Slot one. तो बाबा जी क्या नया सिखाने वाले आज आप? आज हम एक नए आसन से शुरू करेंगे। आज हम करेंगे चपलासन। कौन सा आसन बेटा? चपलासन। हाँ, तो सबसे पहले दाहिना पांव ऊपर उठाओ और फिर उसके नीचे आराम से आराम से। ठीक है अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। कौन सा विलोम? अनुलोम विलोम। सबसे पहले दाहिना हाथ हेड के नीचे और बायां हाथ नीचे। लंबी सांस लो, थोड़ी और लो। अच्छा नहीं, मेरी आवाज निकल गई कुमार। अब नहीं होगा बाबूजी, ये क्या आप सुबह कार्टून लगा के रख देते? बेटा कार्टून नहीं है ये सब, करना चाहिए रोज सुबह, हमारे बस की बात ही नहीं। अच्छा देखो चाय बनी है। हाँ देखो। यह है रामू, राम अवतार, मीणा या राहमेंद्र यादव, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है। आपके और हमारे लिए केवल रामू ही है। और मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान के हर दूसरे नौकर का नाम रामू ही होता होगा। बाबू जी चाय, दूध आधा कप, पानी आधा कप, ढाई इलायची, दो चम्मच चाय पत्ती और चीनी बस आधा चम्मच। बाबू जी दवाई नहीं ली बाबू जी आपने, क्या कर रहा अभी? सेहत का ख्याल रखा। चाय बिस्कुट लाना भूल गया। हाँ बिस्कुट ले आता हूँ। मैं एक लेखक हूँ और मेरी प्रेरणा है मेरा बेटा रचित। आप सब तो जानते ही हैं कि जब रचित छोटा था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा सके। गांव में ही पढ़ाई लिखाई, पर था बड़ा मेहनती, छात्रवृत्ति प्राप्त की और आज दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। शायद इसीलिए अपना आखिरी उपन्यास अपने बेटे की सफलता पर लिखना चाहता हूँ। बाबू जी आप अकेले में गुनगुनाना कब बंद करेंगे? अरे मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर लीजिए। ये सब शौक राजा महाराजाओं भी जस्ते हैं। काम कर यहाँ के घुटने दबा में। हाँ बाबू, आजकल बड़ा दर्द रहता है घुटनों में। बाबा रामदेव भी कोई प्रवचन दिखाते नहीं घुटनों के दर्द। अरे रामदेव वगैरह कुछ काम नहीं आने वाले बाबू जी, काम आएगा तो सिर्फ आपका रामू। वैसे बाबू जी आपको याद है आज से 4 साल पहले मेरी एक मौसी आई थी। आई हो? वो जिस घर में काम करती है ना वो एक वैद्य का घर। अरे वही मशहूर दीनदयाल वैद्य का नाम तो सुना ही होगा आपने। गांव वाले क्या? हाँ हाँ वही। आज से 30 साल पहले वो एक शादी में गए क्या, वहां दूल्हे को एक सांप ने काट लिया। वैद्य जी ने लाख कोशिश की मगर उसे बचा नहीं, बस गलती एक हुई, सांप ने दूल्हे को काटा शादी के साथ फेरे पूरे होने के बाद। फिजूल की कहानियां सुनाता रहता है। अरे बाबू जी सुन क्या, अब सुनिए तो सही। आगे बस तब से वो बेचारी लड़की अकेली विधवा बैठी। बाबू जी क्या ख्याल है? क्या ख्याल? अरे दूसरी शादी के बारे में, अकेले विधवा बैठी हो क्या कर रहे हो? खड़ी लेकर आ मेरी बात। नहीं नहीं अभी तेरा भूत उतार दो दूसरी शादी। मजाक मजाक कर रहा हूं जी मैं, पैर दबा दो। अब जी एक दूसरी कहानी सुना दो। एक चिड़िया थी,
वो हर दिन 10-10 दाने चुप के ले आती थी, उसमें से 2 वो खुद खा लेती थी और 8 अपने घोंसले में जाकर रख देती थी। ऐसा करते करते 40 दिन हो गए तो कुल दाने हो गए। बाबूजी सुन तो रहे ना। बाबूजी सो गए, गाना देख लेता हूँ जरा। I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple, apple pen. Pen pineapple, apple pen. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple, apple pen. कितना समय हो गया रचित को मिले हुए? पूरा 8 महीने। ये प्राइवेट कंपनी वाले भी न जाने कितना काम करवाते, घर आने की फुर्सत नहीं। वो तो अच्छा है पिछली बार आया तो ये टेलीफोन कनेक्शन लगवा गया, 3-4 दिन में बात हो जाती है। बड़ा काम, हफ्तों चिट्ठियों का इंतजार करना पड़ता। हाँ, और मुझे भी 500 रुपए दे गए थे और ये घड़ी भी। हाँ मालूम, आज भी मैं वही करूंगा जो शायद रोज करने का प्रयास करता हूँ। अपने उपन्यास की एक नई शुरुआत। मेरा बेटा रचित, गोरा रंग, गोरी आंखें, कद अच्छा खासा 5'11", वजन कुछ 67-68 किलो और बाएं गाल पर एक खेल। बाबू जी क्या कर रहे हैं, खुद गंदा करते हो। उठा लूंगा ना मैं, रहने दीजिए मैं उठा रहा हूं ना। ज्यादा फोन तो इकरामों के आते हैं। हेलो, हाँ मौसी जी कहिए, कैसी है? हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है, सब ठीक। बाबूजी जिंदा है? आप बताइए आपका तबीयत कैसा है? अच्छा हाँ सो तो है, सो तो है। हाँ और छोटी कैसी है? अच्छा छोटी बड़ी हो गई, अच्छा दूध भी देने लग गई है। बाबूजी अगली बार जब आएंगे तब बड़ी का ताजा दूध जरूर पिएंगे हम। बस हाँ, 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 बस चारा खिलाते रहिएगा। सीखेंगे सेहत के बारे में। बेटा अच्छी सेहत ऐसे ही नहीं बनती। तो कैसे बनती है? उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और तो और काफी पौष्टिक खाना खाना पड़ता है। तो इसलिए बेटा मैं ला रहा हूँ, ये देखो पतंजलि पिज्जा। बहुत स्वादिष्ट है, इसमें है 18 प्रकार के अत्यंत लाभदायक जड़ी बूटी। अरे अरे
अरे हद है, बाबा जी खुद डोमिनोज खाते और हमें कहते हैं हद करते हैं। अरे बाबूजी टीवी क्यों बंद कर दी, अभी 10 बज गए, ससुराल सिमर का आ रहा होगा। अरे क्या लुगाइयों के सीरियल देखता रहता है तू। अरे बाबूजी लुगाई बन जाएगा, लगाइए ना, देखना है मुझे। बाबूजी मैं लगा दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, आज भी जल्दी सीरियल देखा कर। हाँ जाके कोई आने का? अच्छा छुट्टी नहीं है, ठीक। अच्छा याद है पिछली बार मैं तुमको चश्मे के लिए कहा था? अच्छा नहीं, ठीक है, चल रहा है अभी काम, अभी चल रहा है। ये जो पुराना वाला है, एक तरफ का कांच सही है तो दिख जाता है। अगले हफ्ते भेज दोगे? ठीक 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 है बेटा, ध्यान रखो। रखा इतना काम करवाते हैं प्राइवेट कंपनी में, घर आने की छुट्टी नहीं देते। रामू, ये रामू कहाँ चला गया? रामू बाबू जी ये देखिए मैं क्या लाया हूँ, चलिए। क्या लेकर आए तुम अपने साथी? अरे मैंने सोचा हम दोनों वैसे भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना कुछ खेल दिया जाए। और वो पांडे जी का लड़का पढ़ाई करने के लिए शहर गया, तो मैंने उसके घर पे पड़े पड़े खराब हो रहा था, समय उठा लाया। चलिए ये रखिए, हम खेलेंगे। चलिए आ जाइए। मैं कहाँ खेलूंगा सुबह में अभी। अरे अब खेले तो नहीं, आइए आइए, चलो मैं लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से करेंगे बैटिंग, उधर से करेंगे बॉलिंग। लीजिए आप कीजिए बॉलिंग, मैं करता हूँ बैटिंग। ए रामू आप कीजिए बॉलिंग। करते थे कि हाँ, कि अगर एक नींद नहीं आ रही है, एक काम करता हूँ, पार्क तक घुमाता हूँ। अरे हाँ अब ये क्या जरूरत है इतनी दोपहर में बाहर जाने की, देखिए कितनी धूप है। अरे अब एक काम कीजिए, अब बैठिए, अब एक काम कीजिए, अब बैठिए, मैं एक मिनट में आता हूँ। ये देखिए बाबू जी आपका मनपसंद खेल लीजिए, खेलते रहिए। अरे दो आदमी का खेल होता है, अकेला कैसे खेलूंगा मैं? कहा था ना दूसरी शादी कर लो, मानते नहीं हो। घोड़ा तो पूरी की पूरी चिड़िया घर है बाबू जी, पूरा क्या चल रहा है? ये है घोड़ा, हाँ चलता है सीधे सीधे चलता है, ठीक है। ये ऊँट, ये तिरछा, ये है घोड़ा, ये ढाई कर, जैसे एक दो ढाई, हाँ ठीक है। ये वजीर, ये सब तरफ से सही खेल गया। ये हमारा पांच का, हाँ ये भी सब तरफ से आ सकता है लेकिन एक कर। और ये छोटा सा से कहते हैं प्यादा, हाँ। ये आगे की तरफ एक कदम चलता है। ससुरा ये भी कोई काम है, इसे पॉट से निकाल ही देता हूँ, कोई प्यादा नहीं है। सर हम लोग किसी के छोटे कदर आकार के आधार पर उसके महत्व को अनदेखा कर देते हैं।
लेकिन अगर ये प्यादे ना हो तो पहले ही वार में तुम्हारा राजा शहीद हो जाएगा। नहीं नहीं। वैसे बाबूजी, मैं आपको कल कहानी सुना रहा था, आप बिना सुने ही सोगा। चलिए आप पूरी सुनाऊंगा, ठीक है? चिड़िया वाली। हाँ, चिड़िया वाली। तो एक चिड़िया थी, हर दिन 10 दाने चुग के लाती थी, उसमें से 2 खुद खा लेती थी, 8 अपने घोंसले में रख देती थी। एक दिन ऐसा हो गया उसे सिर्फ 6 दाने, तो वो सोच में पड़ गई अब क्या करेगी। उसने सोचा क्यों ना रात में सोने के बजाय दाना ही ढूंढने चली जाए। उड़ते उड़ते फिर वो पहुंच गई एक शादी में। वहां वो एक डाल पर बैठकर दाना ढूंढ रही थी कि उसने देखा शादी में दूल्हे को एक सांप ने काट लिया है। वैद्य जी ने लाख कोशिश की मगर उसे बचा नहीं सका। बस गलती एक हुई, सांप ने दूल्हे को काटा शादी के 7 फेरे पूरे होने के बाद। और तू घुमा फिरा के सारी बात मेरी दूसरी शादी पे ले आए। कर लीजिए बाबूजी शादी, कह रहा हूँ उम्र है क्या दूसरी शादी करने। क्या बाबूजी आप दी, चलिए चलिए आपकी चाल। मन नहीं कर रहा है आज के। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या पाठशाला हो आता हूँ, मास्टर बुला रहा है बहुत दिनों, और बच्चों से मिल लूंगा ना, अच्छा लगेगा मुझे। क्या जरूरत है बाबूजी इतने दोपहर में जाने की, अब चल जाऊंगा ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों जाना है, चल जाऊंगा। क्या कर रहे हैं बाबूजी? अजय पार्सल जा देख कर आ। पार्सल आया बाबूजी, पार्सल आया आपके नाम का है, क्या देखिए ना। अरे चश्मा है। ये क्या वो ऐसा लग रहा है, जच रहे हो बाबूजी आप तो। चलिए काम कर, मेरी छतरी ले आ। छतरी? हाँ जा छतरी ले आ। छतरी कहाँ से लाऊं? अरे वाह इतना सीधा चश्मा, काम करता हूँ आज पारक हो आता हूँ, मैं चश्मे को दिखाऊंगा सर। और क्यों ना उपन्यास का काम भी चालू कर लूं, कब से अधूरा पड़ा है। न जाने क्यों कागज के बदन के नजदीक आते ही मेरी कलम थम सी जाती। पहले तो सब टूटे चश्मे के साथ धुंधला लगता था, पर आज इस नए चश्मे के साथ भी सब धुंधला ही पाता हूँ। बाबू जी आपकी छतरी तो मिली नहीं, मगर आप कहीं जा रहे थे क्या? मैं पारक जा रहा था, छतरी भी नहीं लाया। चल ठीक है तैला ले आप, मैं पार्क जाते जाते सब्जियां भी ले आऊंगा जा। अरे सब्जी लाने क्या, मैं ले आता हूँ बाबूजी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। ये धीरे छतरी भी नहीं लाया, घर से बाहर जाना दूर कर इसको तो। दीनानाथ बाबू। कौन है? चश्मे वाला आया। जय भद्रकाली। नमस्कार। कमाल करते दीनानाथ बाबू, घर में मेहमान है बैठने के लिए तो बोलिए। हाँ, बैठिए ना। कमाल कर दे दीनानाथ बाबू, घर में मेहमान है खाने के लिए तो बोलिए। खा लीजिए ना। पी लीजिए सर। दीनानाथ बाबू धन्यवाद। किसने बनाई है? रामू ने बनाई। अच्छा वही आधा का दूध आधा का पानी। वही बात, वही बात। और कुछ नहीं है खाने के लिए? अरे सब तो खा ही चुके हैं। चलता मैं। कमाल कर दीनानाथ बाबू,
घर में मेहमान आया है, पूछिए तो सही क्यों आया है। अरे हाँ, कुछ काम था क्या आपसे? हाँ। ये क्या है? थैली रामू की, भूल गया था मेरी दुकान में। रामू आपकी दुकान पे क्या करने आया? बर्तन लेने। चश्मे की दुकान में चश्मा ही लेने आएगा ना। कमाल करते दीनानाथ। अरे और देखिए कितना जच भी रहा है आपके। ये चश्मा आपने बनाया? नहीं नहीं, हलवाई ने। कमाल करते दीनानाथ बाबू, होशियार दिखते थे दीनानाथ बाबू। मगर ये चश्मा तो चलिए मैं चलता हूँ, दुकान में हजारों काम है। कुछ लोगों के जरा बस थोड़ी ना घर में बैठी चाय पीनी। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। मुझे टेबल के नीचे कुछ दिख रहा है, ये मैं उठा रहा हूँ, ये मैं ले जा रहा हूँ। आता रहूंगा। सब्जी तो मैं नहीं आया हूँ, साथ ही साथ उसे दुआ का पता भी ले आया हूँ। अब तो आपको शादी करनी पड़ेगी बाबूजी। बाबूजी एक काम करता हूँ, मैं जाके छतरी की दुकान पे जाता हूँ, ठीक है? हाँ ले आप। हेलो। हाँ बेटा रचित। हाँ अच्छा, मुझे चश्मा मिल गया यार, पर तुम तो कह रहे थे कि एक हफ्ते बाद आएगा, ये आज कैसे? अच्छा सरप्राइज दे रहे थे, ठीक है। वैसे बेटा ये चश्मा तो बड़ा महंगा सा है, सोने का फ्रेम वगैरह सब, ये कितने का पड़ा तुम्हें? 5,000 रुपये। कौन हो तुम और रचित बनकर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? ना तो मेरे चश्मे पे सोने का फ्रेम है, ना ही तुम रचित हो। कौन हो तुम? हेलो जी, मेरा नाम पंडित दीनानाथ बैनर्जी है, मेरा बेटा आपकी कंपनी में मैनेजर है, मेरी उसे बात करवा दीजिए। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, रचित बैनर्जी दिल्ली की। मिश्रा जी आए थे आज, बहुत अच्छा चश्मा दिलाया तूने मुझे रामू, मेरी आंखों की सारी धुंध ही चली गई। मुझे पहले नहीं बता सकता था कि रचित नहीं रहा। आपको दिल का दौरा पड़ा था बाबूजी, आप अस्पताल में थे, उस वक्त मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा, बाद में कोई बताने की हिम्मत, मैंने जो किया उसकी माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं है।
जा, चला जा। सभी तो माफ कर दीजिएगा बाबा जी। रामू, फोन का कनेक्शन तुमने लगवाया था? हाँ बाबा। वो लड़का कौन था जो मुझसे प्रचित बनकर बात करता? मेरा एक दोस्त जो दिल्ली में रहता है। और वो नए चश्मे के लिए पैसे कहाँ से लाए थे? खाना पीना तो सब आपका दिया हुआ ही खाता हुआ बाबूजी, खुद की तनख्वाह कुछ तो करूँगा ना। रामू, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी बाबूजी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है रामू? कल मुझे मेरे बेटे की खबर मिली, पर साथ ही मैंने शतरंज के उस प्यादे का महत्व भी जाना जिसे आप हम सब कुछ निर्बल समझते हैं। फिर उपन्यास अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैं अपने बेटे पे नहीं, राजा पे नहीं, लेकिन उस सेवक पे, उस प्यादे पे लिखूंगा जिसके लिए उसका मालिक ही सब कुछ। राम नारायण महतो उर्फ रामू। बाबू जी, दवाई तो छोड़ी, आपने मेरी चाय भी नहीं पी। कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने, दूध आधा कप, पानी आधा कप, ढाई इलायची, दो चम्मच चाय पत्ती और चीनी बस आधा चम्मच। अच्छा बाबू जी, एक कहानी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। चलिए, माहौल बनाते हैं। एक किसान था, खूब मेहनत करता और खूब अन्न उगाता था, मगर कुछ दिनों से वो देख रहा था उसके खेत से 10-10 दाने गायब हो रहे थे। तो वो सोच में पड़ गया और एक दिन उसने चुपकर देख ही लिया। उसे पता चला एक चिड़िया आती है और उसके खेत से 10 दाने चुपकर लेके जाती है। अगले ही दिन उसने इतने जल्दी खेत जोता कि जब तक चिड़िया आई तब तक सिर्फ 6 दाने। अब चिड़िया फिर सोच में पड़ गई क्या करेगी। उसने सोचा कि क्यों ना आज रात को सोने के बजाय कुछ आज रात को सोने के बजाय दाने ही चुप लिया जाए। तो उड़ते उड़ते वो पहुंच गई शादी। मुझे पता है आगे क्या होगा, मुझे पता है, और सुनाने की जरूरत नहीं। क्या राहु, शादी कर लीजिए। Let's have a huge round of applause for them.